संसद में आज एक पल ऐसा भी आया जब अमित शाह और असदुद्दीन ओवैसी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बात डरने डराने तक पहुंच गई। हुआ क्या, आप भी देखिए। संसद में शाह ओवैसी में जुबानी जंग, एनआईए के संशोधित बिल के विरोध पर तकरार। ओवैसी ने शाह से कहा डराइए मत, शाह ने कहा डर जहन में तो क्या करें। लोकसभा में सोमवार को राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी को अधिक ताकत देने वाला संशोधन बिल पेश हुआ और इस पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान जब सरकार की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद सतपाल सिंह बोल रहे थे तभी बवाल हो गया। उनके भाषण के दौरान AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बीच में खड़े हुए। इस पर अमित शाह ने आपत्ति दर्ज कराई। अमित शाह की आपत्ति पर ओवैसी ने कहा कि आप गृह मंत्री हैं तो डराइए मत, जिस पर शाह ने कहा कि वो डरा नहीं रहे हैं, लेकिन अगर डर जहन में है तो क्या किया जा सकता है। कौन सी पॉलिसी आपकी, यही तो हम पूछ रहे हैं। ना ये जब ये बात कर रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस, क्या जीरो टॉलरेंस है आपका? मालेगांव वन जो बम ब्लास्ट हुआ उसमें 22 लोग मारे गए, 5 साल 9 मुसलमान लड़कों की जिंदगी बर्बाद हो गई, वो किसने किया बताइए। इन सवालों को जब हम उठाते हैं तो बोलते हैं जो हमारे साथ में एंटी नेशनल, आप नाइंसाफी करेंगे तो हम आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। होम मिनिस्टर हैं और उंगली दिखाकर डराते हैं। भाई आप रूल्स तो पढ़ लीजिए, यकीनन आप होम मिनिस्टर हैं, कोई खुदा तो नहीं हो गए आप ना हम डरने वाले हैं आपसे। हमने कहा कि उंगली मत दिखाइए, डराना किसी और को डराइए। तो सुना आपने संसद में आज क्या हुआ, अब जरा जान लीजिए कि इस नोकझोंक की शुरुआत कैसे हुई। दरअसल राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण संशोधन विधेयक 2019 पर चर्चा में भाग लेते हुए बीजेपी के सांसद सतपाल सिंह ने कहा कि हैदराबाद के एक पुलिस प्रमुख को एक नेता ने एक आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने से रोका था और कहा कि वो कार्रवाई आगे बढ़ाते तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। इस पर AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी अपने स्थान पर खड़े हो गए और इस बात का विरोध किया। सदन में मौजूद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब DMK सदस्य ए राजा बोल रहे थे तो ओवैसी ने क्यों नहीं टोका, वो BJP के सदस्य को क्यों टोक रहे हैं, अलग अलग मापदंड नहीं होना चाहिए। इस पर ओवैसी ने कहा कि आप गृह मंत्री हैं तो मुझे डराइए मत, मैं डरने वाला नहीं हूँ। शाह ने ओवैसी को जवाब देते हुए कहा कि किसी को डराया नहीं जा रहा है, लेकिन अगर डर जहन में है तो क्या किया जा सकता है। डरने का सवाल नहीं है अध्यक्ष महोदय, मैंने डरने की कोई बात ही नहीं करी है। इतना ही कहा है कि जब दोनों सदन, दोनों ओर के सदस्य बोल रहे हैं, जब आप एक मुद्दे को तत्वतः उठाते हो, सिद्धांत के तहत उठाते हो, तो दोनों ओर के सदस्य जब बोले तब उठाना चाहिए। राजा साहब के लिए आपके एक डायमेंशन है और सत्यपाल जी के लिए दूसरे है। मेरी इतनी ही बात है, डराने का सवाल नहीं है। डर जहन में पड़ा है तो मैं क्या कर सकता हूं। संसद में हुई इस हॉट टॉक के बीच फिर से राजनीति गर्मा गई। संसद में हुई इस नोकझोंक का परिणाम अब आगे क्या होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल तमाम विरोध के बाद भी लोकसभा में ये बिल पास हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।